बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम 10th क्लास के फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर हम स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो करंट या अपडेटेड एग्जाम्स हो रहे हैं, हम उनके पेपर भी साथ साथ शेयर करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानिब। ये सबसे पहले हम साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स की बुक से, जो हमने काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए निकाले। ओके, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन से क्या मुराद है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, री स्टोरिंग फोर्स की तारीफ करें। ये डिफाइन री स्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, राइट इट्स फार्मूला। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की तारीफ करें और इसका फार्मूला बताएं क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर के शुरू वाले क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम, राइट द फार्मूला ऑफ इट्स पीरियड। सिंपल पेंडुलम से क्या मतलब है? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें। इसके अलावा आप लोगों को ना इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता होता है कि आपको वैल्यूज दे देंगे तो आपने वहां से उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जैसे कि इफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.99 सेकंड, देन फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको टाइम पीरियड दे दिया गया है 1.99 सेकंड का, तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें। डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ से क्या मुराद है? इसके अंदर आप इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला, वो आप इसके अंदर फार्मूला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन के लिहाज से, इस वजह से ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या फर्क है? राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई सी दो खसूसियात लिखें। डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की तारीफ करें और इसके एग्जाम के नाम लिखें। व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आल्सो गिव वन एग्जाम्पल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, इसकी मिसाल भी दें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फ़र्क लिखें। डिफाइन वेव इक्वेशन एंड राइट इट्स फार्मूला। वेव की मसावात की तारीफ करें और इसका फार्मूला लिखें। इसके अंदर भी आप वेव की जो मसावात है वी वाली, वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मूविंग ऑन अ स्लिंग इज 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 0.4 मीटर, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, स्लिंकी पर मोशन करती हुई वेव की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.4 मीटर है, तो वेव की स्पीड हमने यहाँ पे मालूम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस से क्या मुराद है? द साउंड ऑफ अ वुमेन इज मोर श्रिल देन मैन। व्हाई? मर्दों की बनिस्बत औरतों की आवाज बारीक क्यों होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या फर्क है? ये भी काफी मर्दों का क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। साउंड की पिच और क्वालिटी की तारीफ करें। व्हाट इज मीन बाय साउंड लेस विसल। व्हाट इज द रेंज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। बे आवाज सिटी से क्या मुराद है? इसकी फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है? व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ साउंड। व्हाट इज इट्स यूनिट। साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है? इसका यूनिट क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और आवाज की शिद्दत में क्या फर्क है? राइट द मैकेनिकल रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस और इंटेंसिटी में हिसाबी ताल्लुक लिखें। व्हाट इज मीन बाय डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल से क्या मुराद है? व्हाट आर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस। काबिले समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद बयान करें। राइट डाउन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। छोटे बच्चे और उम्र सीधा अफराद के लिए काबिले समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है? एक्सप्लेन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बाय डायग्राम। ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की शक्ल बनाकर वजाहत करें। डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की तारीफ करें। डिफाइन मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की कवानीन बयान करें। राइट स्नेल्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला। स्नेल्स का कानून और इसका फार्मूला। व्हाट आर वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
फॉर वाटर एंड आइस, बर्फ और पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ करें। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। व्हाट इज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस क्या है, डायग्राम से उसकी वजाहत करें। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की तारीफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अ लेंस, आल्सो राइट इट्स फार्मूला। ठीक है, पावर ऑफ लेंस से क्या हमारा उसका फार्मूला भी लिखें। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5D, यानी कि 5 डायोप्टर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, हमें इसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज में फर्क लिखें। व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। स्टेट कूलम्स लॉ, कूलम का कानून बयान करें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन कूलम्स फोर्स, डिस्क्राइब। कूलम फोर्स पर फासले का क्या असर होता है उसको बयान करना है। इन सिस्टम इंटरनेशनल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन कूलम्स लॉ, के की कीमत क्या है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ करें, इसका यूनिट भी लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है। इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर मकदार है, इसकी सिमत क्या होगी। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हु इंट्रोड्यूस्ड देम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तारीफ करें, इसको किसने मुतारफ करवाया। राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दो खसूसियात लिखें। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ करें, उसका यूनिट भी लिखें। डिफाइन वोल्ट, वोल्ट की तारीफ करें। राइट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तहरीर करें। हु एंड व्हेन द फर्स्ट बैटरी वॉज डिस्कवर्ड, पहली कारामद बैटरी कब और किसने ईजाद की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर और डाई इलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है। डिफाइन कैपेसिटेंस, राइट इट्स यूनिट्स, कैपेसिटेंस की तारीफ करें और इसका यूनिट लिखें। राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन की कोई सी दो खसूसियात बयान करें। व्हाट इज मीन्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक से क्या मुराद है। राइट डाउन टू यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के दो इस्तेमाल लिखें। व्हाट इज फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट किसे कहते हैं। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के मुख्तलिफ इकसाम के नाम लिखें। डिफाइन वेरिएबल कैपेसिटर्स, वेरिएबल कैपेसिटर्स की तारीफ करें। डिफाइन फिक्स्ड कैपेसिटर्स, फिक्स्ड कैपेसिटर की तारीफ करें। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से क्या मुराद है। व्हाट इज मीन बाय माइका कैपेसिटर, अभ्रक कैपेसिटर से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन इट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है इसकी तारीफ करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें, इसका हिसाबी फार्मूला लिखें। व्हाट इज मीन बाय कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ करंट एंड वाटर, करंट और पानी के बहाव में क्या फर्क है। विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर करंट, करंट की पैमाइश किन आलात से की जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क बयान करें। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज 2 मिलीमीटर, फाइंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कॉपर वायर का डायमीटर 2 मिलीमीटर हो तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करें। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन इट, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है इसकी तारीफ करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क बयान करें। स्टेट ओहम्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, ओहम का कानून बयान करें, इसका हिसाबी फार्मूला लिखें। व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस, राइट इट्स यूनिट, रेजिस्टेंस से क्या मुराद है इसका यूनिट लिखें। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट की तारीफ करें। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाई, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर से क्या मुराद है। स्टेट जूल्स लॉ, राइट इट्स मॉलिक्यूल ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला, जूल का कानून बयान करें और इसका हिसाबी फार्मूला लिखें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक पावर में क्या फ़र्क है।
राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वाट एंड किलोवाट आवर। वाट और किलोवाट आवर में फर्क बयान करें। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट डाउन इट्स इक्वेशन। इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ कीजिए और इसकी मसावा तहरीर कीजिए। डिस्क्राइब राइट हैंड रूल, दाएं हाथ का असूल किसे कहते हैं। वट इज मीन्ट बाई सेलेनॉइड, सेलेनॉइड से क्या मुराद है। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक सीधे करंट बरदार कंडक्टर के गिर्द बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को किसने ईजाद किया। राइट टू मैथड्स ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाने के दो तरीके लिखें। वट इज मीन्ट बाई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। स्टेट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे, फैराडे का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का कानून बयान करें। स्टेट लेंज़ेस लॉ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का लेंस का कानून बयान करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फर्क लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटीज, एनालॉग और डिजिटल मकदारों में फर्क लिखें। व्हाट इज मीन बाय एनालॉग क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल। एनालॉग मकदारों से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क है। राइट द यूजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल बयान करें। व्हाट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल के फायदे तहरीर करें। व्हाट इज मीन बाय डीएसी एंड एडीसी, डीएसी और एडीसी में फर्क लिखें। एंड व्हाट इज मीन बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, गिव एन एग्जांपल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मतलब है, इसकी एक मिसाल भी दीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट पोर्शन है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम पार्ट टू के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।